गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल माइजिक से कार्ड में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पुरस्कार के बारे में, आज मैं आप सभी के सामने ज्ञानपीठ का पुरस्कार लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जितने भी पुरस्कार हैं उनके सभी पर मैं वीडियो बनाऊँगा, तो एक एक कर हम इसी तरह वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो इसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आप यहाँ पे ये देख भी सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार इस तरीके का होता है। तो ये है ज्ञानपीठ पुरस्कार, चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यह साहित्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में द टाइम्स ऑफ इंडिया के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध जैन परिवार द्वारा संचालित निधि, जिसको ट्रस्ट कहते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा की गई थी। तो इसकी जो स्थापना, जो इसकी शुरुआत थी, वो 1961 थी। या उन भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाता है जो भारतीय संविधान की सूची 8 की 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा तथा अंग्रेजी में साहित्यिक रचनाओं का निर्माण करते हैं। तो ये उन भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाता है जो संविधान की सूची 8 की 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा तथा अंग्रेजी में साहित्यिक रचनाओं का निर्माण करते हैं। इस पुरस्कार में फलक के अतिरिक्त 11 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। तो हमें इसमें एक मेडल मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार का, और उसके अलावा हमें 11 लाख की नगद राशि भी मिलती है। विजेता को देवी सरस्वती की एक कांस्य प्रतिमा भी भेंट की जाती है। ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये एक कांस्य की प्रतिमा है, तो ये भी दी जाती है। तो अगर प्रश्न में आए कि ये जो प्रतिमा होती है ज्ञानपीठ पुरस्कार की, वो किस चीज की बनी होती है, तो आप कहेंगे कांसे की। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है, जीवन में ही इसको दिया जाता है। अतः 23 भाषाएं हैं, 22 प्लस अंग्रेजी, जिनमें यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने संक्षिप्त में पढ़ा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो आप इसको ज़रूर देखें। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।